हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार प्रैक्टिकल रिकीप में। और हम लोग खेलने वाले हैं चैप्टर 9 का पार्ट 2। हो सकता है पार्ट 2 में हम शायद पूरा ही ख़त्म कर दें चैप्टर 9, या अगर और लंबा हुआ तो नहीं कर पाएंगे। अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखें। तो हमने हमारी जो माउंटेन पे जाने की जर्नी है वो शुरू कर दी है, तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर ले। और यहाँ पे ह्यूगो इन भेड़ बकरियों को देख के थोड़ा डर गया है क्योंकि बहुत सारी है। और ये सारी भेड़ बकरियाँ रास्ता रोक के खड़ी हुई है इनका, सो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से कोई नया रास्ता फाइंड आउट करना होगा। और ये जो चरवाहा है भेड़ बकरियों का, वो बता रहा है कि एक दूसरा भी रास्ता है जहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं, सो अभी हम उसी ओर जाएंगे। अच्छा, तो रास्ते में कोई बकरी मिलेगी हमें, उसे भी यहाँ भेजना है, मतलब कि वो बंद है शायद कहीं कोई वाड़े में वगैरह में, उसे वहाँ से छोड़ देना है, सो वो यहाँ आ जाएगी। वैसे यहाँ पे एक टूटा हुआ खंडर जैसा लग रहा है और बकरी की आवाज़ भी आ रही है। ओ ये रही, वो यहाँ फंसी हुई है। I stared in their eyes for hours when I was a child. लेकिन इसे निकालेंगे कैसे बाहर हम? You may just not be ready for that knowledge. ये रहा दरवाजा, लेकिन ये तो लॉक्ड है। That's what heroes do. All right. There may be another way in. शायद कोई दूसरा रास्ता हो सकता है यहाँ पे। शायद ऐसा रास्ता होगा जहाँ से ह्यूगो जा सकेगा। यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है और बकरी हमें देख के चिल्ला रही है क्योंकि वो जानती है कि हम लोग इसे निकाल सकते हैं। वो हेल्प के लिए बुला रही है, अभी हमें उसकी हेल्प करनी होगी। अब बकरियों की भी हेल्प करनी है। पहले ये बॉक्स खोल लेता हूँ, क्या है देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे भी कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ये घासों को जला दूँ तो शायद कुछ काम बन सकता है। सो घासों को तो मैंने जला दिया है और ये जलने में टाइम ले रही है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सुखी होगी। आखिरकार घास तो जल चुकी है और वहाँ पे एक छोटा सा छेद तरह का है, शायद वहाँ से ह्यूगो जा पाएगा अंदर। हाँ, होल है, मैंने देख ही लिया था, ये जल रहा था जभी। ओके, सो ह्यूगो चला गया और वो अंदर जाके खोल लेगा दरवाजा। Mostly, yes. बहुत देर हुई इसे दरवाजा खोलने में। ओ खुल गया, खुल गया। Quick, you did it. That was knightly. So, here's our fugitive. You saved. अच्छा, तो अब बकरी चली जाएगी यहाँ से जहाँ वो चरवाहे वहाँ पे, और हम लोग हमारी आगे की जर्नी शुरू करेंगे फिर से। बकरी तो यहीं पे खड़ी है, खैर इसे छोड़ते हैं हम और हम जाते हैं आगे। मैंने रास्ता देखा था, यहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे। Let's keep going. But Tramontan, she'll find her way back. Don't worry. Goats are climbers. The sanctuary's more important for now. Thank you for your offerings. Sorry to push. ये वहाँ पे ऊपर से किसी तरह का हॉर्न बजने की आवाज आई है, मतलब कि किसी तरह का सिग्नल है कि अब सेरेमनी शुरू होने वाली है।
और हमें लगता है कि जो गार्ड्स होंगे उनसे बच के जाना होगा। वो मेन रोड है, साइड में देखा। ओके, सो आगे बड़ी घास आ गई है फिर से और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे से छुप के जाना होगा। हाँ, सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया है। अभी हम छुपते छुपाते हुए ही जाएंगे यहाँ से आगे और मुझे लगता है कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा। काफ़ी सारे गार्ड्स हैं वैसे यहाँ पे और एरिया भी काफ़ी बड़ा है और बीच बीच में इन्हें डिस्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ना होगा छुप छुप के। ओके, सोफिया किसी तरह से यहाँ पे हेल्प कर रही है हमारी और घासों में धुआं निकला है। अभी हम सामने वाली घास में घुस जाते हैं। कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा। You know the count. He likes to keep it formal. Yeah, well, next time we'll ask to stand guard near the ruins. There's more shade, and I'd like to see the procession for once. अभी ये नमूना तो वहाँ बैठा हुआ है लेकिन वो जो दरवाजे के पास खड़ा है उसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। वो एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो शायद काम बन जाएगा और ज़्यादा हमें यहाँ पे और किसी तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब हम सीधे दरवाजे तक जा सकते हैं और इससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा, वरना तो काफ़ी मुश्किल हो सकती थी अगर गलत तरह से डिस्ट्रैक्ट करने जाता अगर मैं इन्हें। सो हम लोग अंदर तो आ गए अभी यहाँ से आगे। ओके, यहाँ पे कुछ अपग्रेडेशन है, मैं अपग्रेड कर लूँगा और वो अपग्रेड वाला सीन कटिंग कर दूँगा मैं। काफ़ी टाइम ले लेता है अपग्रेड का। सो ठीक है, मैंने अपग्रेड्स कर लिया है, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक ही एक्सबो का मैंने अपग्रेड किया हुआ है। वैसे एक्सबो के हमारे पास ज़्यादा एरो भी नहीं है और फिर से थोड़ा खतरनाक वाला रास्ता है। ओ हो तेरी, तो यहाँ तो बहुत ही नीचा है। ओ तेरी, ओ ही गया, बे बच गया। युगो के साथ ही ऐसा होना था, उसके पैर धरुजने लगे। ओके, सो यहाँ तक तो हम पहुँच गए लेकिन मुझे लगता है कि आगे का रास्ता वो तेरी तो यहाँ पे तो हम काफ़ी ऊंचाई पे थे वैसे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे। ठीक है, तो हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से भी छुप छुप के ही जाना होगा। वो तेरी हो रहे गार्ड्स, मैंने देखे। छुपना होगा, छुपना होगा। वो तेरी, यहाँ तो हेवी आर्मर वाले गार्ड्स हैं। गड़बड़ी होने के फुल चांसेस है यहाँ पे, एक मिस्टेक और खेल खत्म। मुझे किसी को डिस्ट्रैक्ट करूं, आर्मर वाले को डिस्ट्रैक्ट कर देते, क्या देखते कि वो डिस्ट्रैक्ट होता भी है या नहीं होता। नहीं, उसे तो कोई असर नहीं हुआ, सो उसे छोड़ते हम यहाँ। वैसे जाना कहाँ है वो भी एक कंफ्यूजन है। एक रास्ता पीछे है, एक सामने से है। पीछे से ही जाना होगा, थोड़ा ज़्यादा घूम के, शॉर्टकट लेने में मज़ा नहीं आएगा। अभी यहाँ पे कोई गार्ड्स, वैसे मैं आया जब तो मैंने देखा था यहाँ पे। ओ आवाज़ आई, जल्द से जल्द घासों में पहुँचना होगा। चलो, मैंने आवाज़ तो सुनी थी, वो रहा सामने खड़ा हुआ है एक गार्ड्स और वो इधर ही आ रहा है, लेकिन फिलहाल हमने कोई आवाज़ की नहीं है तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे छुपे हैं। इसे
पास हो जाने देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अबे वे तो यहीं पे खड़ा हो गया, अब इसे कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे? और मेन बात यह है कि ये डिस्ट्रैक्ट होगा भी या नहीं होगा। अरे ये तो वापस चला। ठीक है एक रिश्ता अच्छा है, हम लोग यहाँ से सामने वाली घासों में पहुँच सकते हैं। ओके यहाँ पे तो आ गए हम। और भी आगे आ गए, पहले चारों ओर देख लूँ काफ़ी सारे गार्ड्स हो गए क्योंकि मुझे सिग्नल आजू बाजू से आ रहे हैं, आसपास से काफ़ी सिग्नल आ रहे हैं। एक तो सामने ही खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे राउंड अप कर रहा है। क्या पता जंप करके जा सकते हैं, पहले इसे पास हो जाने देता हूँ। अच्छा निकल गया, आप जाके ने ये सामने घास है उसमें छुप सकते हैं हम। ओके यहाँ तक तो पहुँच गए, अभी यहाँ से आगे जाना है। और वो भाई तो दूसरी साइड में देख रहा है सो उसका टेंशन है नहीं। वहाँ सामने जो घास दिख रही है वहाँ तक मुझे पहुँचना है किसी तरह से, लेकिन ख्याल रखना होगा कि वो जो पीछे गार्ड्स फिर रहा है उससे भी बचा जाए और सामने भी गार्ड्स है। चलो अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे, रिस्क ले लेता हूँ। ओई ऐसा हुआ है किसी को? शक तो हो गया था किसी को। यहाँ से थोड़ा मुश्किल रास्ता है, ये हेवी आर्मर इसी ओर देख रहा है, पीछे भी गार्ड्स खड़ा हुआ है। किसी को डिस्ट्रैक्ट भी तो कैसे करे, ये भी एक यहाँ पे आके खड़ा हो गया है पीछे से। ये डिस्ट्रैक्ट होगा इतने दूर तक? चलो देखते हैं। ओ हुआ हुआ लगता है शायद ये। ओके ये अपनी जगह बदल रहा है, वहाँ पे जा रहा है कि क्या हुआ? उससे पहले हम निकल के भागते। अबे यार सामने से भी एक आ गया। सिट 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 सिट, अबे उसको शक हो गया, ये तो हेवी आर्मर है फिर से। ओ इसे शक हो गया था लेकिन बचे। इसका शक यकीन में बदलने से पहले हम लोग घासों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो देख, अच्छा चला चला, मुझे लगा कि इसी ओर देख रहा है। ये तो जा रहा है लेकिन एक लल्लू सामने खड़ा है, अभी इसे भी डिस्ट्रैक्ट करना होगा। ये लल्लू के पीछे मैं आग लगवाऊंगा सो मुझे नहीं लगता कि ये डिस्ट्रैक्ट होगा इससे, फिर भी ट्राई करके देखते एक बार। नहीं इसे कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ वाला है, वो हेवी आर्मर वाले ने देख लिया कि स्मोक है यहाँ पे, इसे नहीं दिखाई दे रहा। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इस तरह की हालत है फिलहाल हमारी। फिर से आग तो लगाई है मैंने लेकिन किसी की नजर नहीं है उस पे। ये हेवी आर्मर ही देखता है इसे, और कोई देखता ही नहीं है। साला फिर से गया छानबीन करने वहां पे। अब
ये कुछ की जा सकती है कि हम लोग ये जो घासों में छुपे इसे ही जलाया जाए। तो दोनों इस ओर आएंगे और हम जंप करके सामने जा सकते हैं। मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी शायद हो सकती है अगर वो पीछे वाला गार्ड्स देख ना ले। फिलहाल ये हेवी आर्मर वाला तो इधर ही आ रहा है, इसे एक बार यहाँ पे इसका जो ड्यूटी का काम है उसे ख़त्म कर लेने देते हैं। एक बार ये मुड़ के वापस जाएगा जब हम ये हमारी जो स्ट्रेटेजी हमने सोची है उसे अंजाम देंगे। ठीक है, ये जा रहा है, अभी हमें हमारी स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसे भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसे भेजते सामने। अच्छा चलो वो तो गया, और इसे इस और बुलाते हैं। अब देखा इसने, चलो दोनों को मैंने इनकी जगह से हटा दिया है। अभी जल्द से जल्द सामने वाले घासों तक पहुंच जाना है। वो पीछे वाले ने देख लिया साले ने, लेकिन यकीन में बदलने से पहले हम लोग फिर से घासों में छुप गए। लेकिन अभी शक सबको हो चुका है। ओ तेरी, इधर भी एक आ रहा है, इसी ओर आ रहा है साला। अभी इन लोगों से कैसे बचना यार, ये थोड़ा टफ पड़ा ये मिशन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही टफ पड़ रहा। सोचा नहीं था इतना ज़्यादा टफ होगा ये, लेकिन टफ पड़ गया, आप क्या करें। अभी हम यहाँ से सामने वाली घासों में जाते हैं। ओ तेरी, यहाँ से भी एक निकला, ये कहाँ कहाँ छुप के बैठे हैं साले। बिल्कुल पास में है हम लोग, करीब में है। बिल्कुल सामने गेट है, अभी ये क्या देखना है। ओके, वो एक टूटा हुआ टावर है शायद, तो हमें वहाँ से जाने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन इस बीच इतनी सारी दिक्कतें हैं, इन्हें पार करना होगा सबसे पहले। हाँ हाँ, तेरे साथ कंपनी है, क्या करेंगे अब। आ गए हम यहाँ पे। ये नमूने पता नहीं घासों में क्यों आते हैं, बार बार घासों में आ रहे हैं। अबे यहाँ तो हमने कुछ किया भी नहीं है, चला जाए यहाँ से। अब ये हेवी आर्मर एक बार यहाँ से पास हो जावे। अबे एक तो पीछे से भी आया, चलो वो तो मुड़ गया। ये हेवी आर्मर भी पास हो रहा है, मुझे बस किसी तरह से सामने वाली घासों में पहुँचना है। ओए तेरी, स्ट्रेंज। अबे आया, ये तो आया, मेरी ओर ही आ रहा है। अंदर मत आइयो। ठीक है, अंदर तो नहीं आ रहा ये। मुझे लगता है कि सामने मैं जा सकता हूँ, फिलहाल रास्ता साफ है, जल्द से जल्द निकल लेना चाहिए। ओए ओए, निकल निकल निकल। अरे यार, एक तो अभी बिल्कुल साफ था रास्ता और वो ऊपर से आ गया, अभी पीछे से भी एक आ रहा है। अभी इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सोफिया इनको दिखाई नहीं देती। चलो, उसने एक ने तो रास्ता बदल लिया है, ये भी जा रहा है यहाँ से। बस यही मौका है मेरे पास, वरना फिर से पूरा एक 10 मिनट खा जाते ये लोग मेरे।
काफी करीब पहुंच गया हूं मैं। यहाँ पे भी ये है, इसे नहीं पास हो जाने देते। और फिर सामने मुझे दरवाज़ा दिखाई दे गया है, वो दरवाजे के अंदर से आगे का रास्ता मिल सकता है। अबे रुक क्यों गया, निकलना। पहरेदारी का काम वैसे ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ओके चलो अब जा सकते हैं। अंदर तो आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे कुछ बारी जैसा ही विंडो टाइप है, यहाँ से वो लोग देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी खुला हुआ ही है सब, यहाँ पे भी थोड़ा सा संभल के जाना होगा। अबे आया हो, और देखा उसको शक हो भी गया यहाँ पे, लेकिन साला पास नहीं हो रहा। पास हो जाता तो मैं वो दरवाज़ा खोल लेता, लेकिन अगर दरवाज़ा खोलने से पहले इसने देख लिया तो हो सकता है मिशन फेल हो जाए। बिल्कुल स्टिल्थ मोड में जाना है हमें, डिटेक्ट नहीं होना यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग ये टावर तक तो पहुँच चुके हैं अभी, और मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर अभी ख़त्म होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का गेम प्ले यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, और नेक्स्ट गेम प्ले यहाँ से ही आगे बढ़ाएंगे हम इसके बाद का। सो ये चैप्टर 9 के मे भी 3 पार्ट्स बन जाएंगे। हम लोग बिल्कुल यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ से हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।